हेलो दोस्तों, मैं सिपना आज का एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट लेकर आई हूँ आपके लिए। इसमें शहनाज तो नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ ने जो बातें कही हैं वो सिर्फ शहनाज के लिए ही कही हैं। यहाँ पर गार्डन एरिया में सिद्धार्थ और शिफाली बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। शिफाली सिद्धार्थ से पूछती है कि तुम्हें शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए, यानी तुम्हारी जो ड्रीम गर्ल है वो कैसी होनी चाहिए। तो सिद्धार्थ कहते हैं, वो कैसी भी हो लेकिन मुझे पसंद आनी चाहिए, मुझे अच्छी लगनी चाहिए और मुझे ऐसी कोई क्वालिटी नहीं चाहिए। अपना तो फंडा है, दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज। तो यहाँ पे सिद्धार्थ ने शेफाली से बोला था, दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज। और आपने बिग बॉस में कई बार सिद्धार्थ के मुंह से शहनाज के लिए गधी शब्द सुना होगा, तो आप समझ सकते हैं कि सिद्धार्थ ने यहाँ सिर्फ शहनाज के बारे में बात की थी। यहाँ पर शेफाली आगे पूछती है कि अगर मान लो वो आपकी रिस्पेक्ट ना करे, आपके घर वालों की रिस्पेक्ट ना करे। तो सिद्धार्थ यहाँ थोड़ा फनी वे में बोलते हैं कि वो कुछ भी करे, चाहे मुझे लात मारे, लेकिन अगर मेरा एक बार दिल आ गया तो फिर मुझे वही लड़की पसंद आएगी, वो चाहे कैसी भी हो, चाहे कुछ भी करे, मुझे फिर वही चाहिए, बस मुझे पसंद आनी चाहिए। यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि शहनाज किस तरह से उन्हें थप्पड़ मारती रहती थी, उनके बाल खींचती रहती थी, लेकिन सिद्धार्थ शहनाज की किसी भी बात का बुरा नहीं मानते थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सिद्धार्थ ने किसके बारे में बोली होगी ये बात, दिलाया गधी पर तो परी क्या चीज। कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।